अरुण ने कल वॉशिंगटन डीसी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इस इवेंट से इनकी जो वीडियो निकलकर सामने आई है उनसे तो अरुणिता अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही हैं। अरुणिता ने ब्लैक टॉप पहना था और उनका मेकअप सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा। उनकी कातिलाना नजरों ने हर किसी को घायल कर दिया। मंच पर आने से पहले अरुणिता शायली रूम के अंदर खूब मिरर पोज देती नजर आई। इसके बाद मंच पर अरुणिता पवन के साथ ड्यूट परफॉर्मेंस देती हैं। पवन पियानो बजाते हैं और अरुणिता माइक लेकर गाना गाती हैं। दोनों पहला प्यार गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देते नजर आए। दोनों एक दूसरे को देखकर बातें करते हैं। पवन पियानो में मस्त और अरुणिता माइक लेकर उनके सामने खड़े होकर अदाएं दिखा रही हैं। गाना गाते गाते वो पवन के पास जाती हैं, उनके बिल्कुल करीब पहुंचकर उनके कान में कुछ कहती भी नजर आती हैं। कहती नहीं बल्कि किसी काम के लिए ऑर्डर देती है और पवन उनकी बात मानते हुए सिर का इशारा करते हैं। हो सकता है कि अरुणिता गाने के म्यूजिक के बारे में पवन को राय देती है, उनसे डिस्कस करती है, जिसकी वीडियो खूब पसंद की जा रही है। आपको पवन अरु की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता की एक छोटी सी रोमांटिक वीडियो सामने आई है जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये वीडियो लंदन एयरपोर्ट का बताया जा रहा है जब ये मुंबई के लिए लौट रहे थे। उस वक्त इनकी फ्लाइट के लिए काफी वक्त था। ऐसे में शायली ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट किया, लेकिन शायली ने कुछ ऐसा शूट कर लिया जो अभी तक फैंस को नहीं पता था। पवन का वो रूप लोगों ने देख लिया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। फैंस खुद पवन का ये रूप देखकर हैरान है। शायली को नहीं पता कि उनकी वीडियो में ये सब कैसे और कब कैद हो गया। शायली की वीडियो में पवन को फ्लाइंग किस करते देखा गया, वो भी अरुणिता को। जी हाँ, पहले तो पवन अरु दोनों अपना लंदन का एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने इवेंट के बारे में बताते हैं और लंदन की खूबसूरत जगह भी शेयर करते हैं। दोनों बताते हैं कि लंदन में इन्होंने खूब टाइम स्पेंड किया, खूब मौज मस्ती की और ढेर सारे इवेंट करने का मौका मिला। लंदन के इवेंट से इनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब बात करते करते पवन अरुणिता की तरह फ्लाइंग किस करते दिखे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर पवन अरु के आसपास मंडराते दिखे, उनकी केयरिंग करते दिखे, वो अरुणिता के साथ पोज देते नजर आए। इसके अलावा फ्लाइट में भी जब अरु भूखी होती है तो पवन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम खाना खाओगी। अरु पवन की ये केयरिंग बहुत पसंद की जा रही है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। पवनदीप, अरुणिता, शायली और दानिश के ढेर सारे फोटोज सामने आ चुके हैं। लंदन को ये भूल नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ से आने के बाद भी ये वहाँ के यादगार पलों को शेयर कर रहे हैं। इन्हें वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन काफी दिन बाद अब इन्होंने इंडिया के लिए बैग पैक ही कर लिया है और ये स्टेशन पर उदास चेहरे के साथ दिखाई दिए। हालांकि लंदन को ये उदास चेहरे के साथ तो बाय नहीं करते, इसलिए इन्होंने स्टेशन पर भी इस टूर की लास्ट सेल्फी ली और लंदन टूर के लास्ट दिन के फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फैंस पल के बिछाए बैठे हैं कि कब ये मुंबई आएंगे और कब फिर से इनके नए नए वीडियो सामने आएंगे। जब से फैंस को पता चला कि आज ये मुंबई आने वाले हैं तो इनके कुछ चाहने वाले मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहाँ इनका स्वागत करेंगे। अब करीब 20-25 दिन बाद ये वापस आ रहे हैं तो स्वागत तो बनता है। वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इनके फैंस के लिए ये 20-25 दिन ही साल के बराबर हैं। वो क्या है ना कि पवन अरु के फैंस को इनके लिए बहुत लगाव हो गया है और जब किसी से दिल लग जाता है तो उसको लेकर चिंता बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हाल पवन अरु के फैंस का भी है। फिलहाल तो एयरपोर्ट वाले फोटोज में आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, लेकिन इनका पूरा ध्यान फैंस पर ही अटका हुआ है कि मुंबई में क्या फिर से इनका वैसा ही स्वागत होगा, वैसा ही प्यार मिलेगा। पवनदीप अरु बिल्कुल पास पास खड़े हुए हैं, इनकी पूरी टीम भी साथ में है। फोटो में पवन अरु बहुत कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। सबने इस टूर को खूब एंजॉय किया है। उम्मीद है कि पवन अरु के फैंस को भी इनका ये टूर पसंद आया होगा। पवन अरु के नए प्रोजेक्ट की फोटो सामने आ गई है, मतलब जल्दी इनका एक और धमाकेदार इवेंट होने वाला है जिसको लेकर ये मीटिंग करने गए और वहीं से इन्होंने ये फोटो शेयर किया। फोटो में पवनदीप खुद सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। इस सेल्फी में पवन अरुणिता तो मौजूद हैं ही, साथ ही शायली और तीन लोग और भी हैं जिसमें एक महिला भी है और ये सब इनके नए प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं। लंदन में पवन अरु को लगातार
नए प्रोजेक्ट मिला है और फिर से नए प्रोजेक्ट को ऑफर किया गया जिसकी फोटोज सामने आ चुकी हैं। फोटोज में अरुणिता का लुक बहुत अलग लग रहा है। अरुणिता का ये वेस्टर्न लुक भी लोगों को पसंद आ रहा। वैसे तो अरुणिता अब तक साड़ी में ही इवेंट पर जा रही थी, वेस्टर्न लुक ने भी अरुणिता के फैंस का दिल जीत लिया। अरुणिता इस फोटो में लूज टॉप के साथ प्लाजो पैंट पहनी हुई है। अरुणिता पर ये कलर खूब सूट कर रहा है। पवन भी येलो जैकेट के साथ पिंक कैप लगाए हुए हैं। फोटो में पवन बहुत क्यूट लग रहे हैं। उनकी इस फोटो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं। लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या ये नया प्रोजेक्ट का हिस्सा है और नया इवेंट कब आने वाला है। आपको बता दें इन्हें अभी कुछ दिन और लंदन में रहना होगा। वैसे तो कहा जा रहा था कि इनके लंदन में इवेंट खत्म हो चुके हैं और जल्द ही ये इंडिया आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब एक महीना होने जा रहा है इन्हें लंदन में इवेंट करते हुए। नहीं, जनवरी फरवरी में फिर से इनके लंदन में इवेंट होने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जनवरी और फरवरी तक लंदन में ही रहने वाले हैं और सारे इवेंट निपटा कर वापस इंडिया लौटेंगे। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन, अरुणिता, दानिश और साइली का एक बहुत ही क्यूट वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद यकीनन आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। हम बात अरुणिता की कर रहे हैं जो फिर से लोगों का एंटरटेनमेंट करती देखी गई। इस बार अरुणिता को पंजाबी स्टेप के साथ डांस करते देखा जा रहा है। जी हाँ, अरुणिता, दानिश और साइली तीनों आजकल शीशा बड़ा छेड़ता गाने पर बिंदास होकर डांस कर रहे हैं। अरुणिता वाकई इस गाने पर डांस करते बहुत क्यूट लग रही है। दानिश ने अपने चैनल के लिए वीडियो शूट किया है। लंदन में ही खुले मैदान में ये तीनों घास पर डांस करते देखे जाने। अरुणिता इन स्टेप्स पर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ने फैंस का दिल जीत लिया। वहीं साइली भी मस्त होकर डांस कर रही है और दानिश का तो कोई जवाब ही नहीं। अब लोग इस वीडियो में पवन को मिस करें कि आखिर वो क्यों कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पवन भी इस वीडियो में शामिल है और फिर अगर अरु के पास पवन होते तो मजा ही आ जाता। वैसे पवन है कहाँ, जहाँ ये तीनों हो वहाँ पवन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको बता दें पवन क्या कर रहे हैं। ये तीनों जब डांस कर रहे थे तो पवन इनकी वीडियो बनाने में लगे। पवन का फोकस अरुणिता पर ही था। वो अरुणिता का डांस देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे थे। तभी लास्ट में अरुणिता हंसी के मारे लोटपोट हो जाती है क्योंकि पवन उनकी वीडियो बनाते बनाते अरुणिता से कुछ इशारे कर रहे थे, उनके डांस की नकल उतार रहे थे, जिसे देखकर अरुणिता भी खूब हंसती है। आपको बता दें बहुत जल्द ये चारों लंदन से वापस इंडिया आने वाले हैं। ऐसे में लंदन की खूबसूरत यादें भी सजो कर रख रहे हैं। इन्हें जैसे ही अपने कंसर्ट से टाइम मिलता है ये अपने चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं। ये चारों एक दूसरे में बहुत मस्त रहते हैं, फनी हरकतें भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं। वेल, अगर आपको भी इनका ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें।